नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। और दुबई के बारे में पहले बोलने से पहले हम बात करेंगे फ़्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में। एक्सपो 2020 आ रहा है अक्टूबर में, आपको सबको पता है। और दुबई नमन करते हैं भाई, दुबई सरकार, वीआई सरकार को। एक आपने हमारे हिंदी में तो आपने सुना होगा कि बेटे को अगर हम बाप ज़्यादा लाड करता है तो बिगड़ता है। और हमारे राजस्थान में एक कहावत है, राजस्थानी वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि सराई खिचड़ी दांता न चिपे। समझ गए बात को? मारवाड़ी समझते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को कि हम जिसकी ज़्यादा बड़ाई करते हैं कि अरे अरे भाई इसकी तो बात ही छोड़ दो, बहुत अच्छा है, तो वो फूल जाता है, ऐसे हो जाता है। अरे भाई हम तो बस क्या ही गणा, दुनिया में हम ही हम हैं। अब दुबई की भाई हमने खुद ने पुलिंदे बांधे थे, दुबई जैसी कोई कंट्री नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे वीडियो बनाए थे, आप सबने पता ही होगा। लेकिन अब नमन करते हैं भाई दुबई को। जितनी दुबई ने हम लोगों के साथ में जितनी चिटिंग की है ना, उतनी कोई भी शायद देश नहीं करेगा। हैं कतर हैं, सऊदी हैं, जो कुवैत हैं, सऊदी हैं, बैठे हैं बेचारे, कोई नाटकबाजी नहीं कर रहे। फ्लाइटें बंद है जी, कोई अपडेट नहीं उनकी तरफ से। वीआई की तरफ से हर रोज़ आप देख सकते हैं न्यूज़ में, हर रोज़ नई अपडेट आती है। और फ्लाइट चालू नहीं होती, सिर्फ अपडेट आती है घुमा घुमा के। वो कहते हैं ना भिगो भिगो के मारना, वो कहावत हो रही है जी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ्लाइट के बारे में। दुबई ने फ्लाइट चालू कर दी है जी, आप सबको पता ही होगा दुबई ने फ्लाइट शुरू कर दी है। लेकिन फिर वही बात है, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए फ्लाइटें चालू नहीं की है। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, दुबई को कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत थी। सब मेडिकल स्टाफ को जाओ जी फ्लाइट भेजो और उनको लेके आओ, उनकी ज़रूरत थी। क्योंकि कोरोना काल में आगे बेचारे इलाज तो वही करेंगे, हॉस्पिटल में सबसे पहले कौन मरीज को देखता है, जो होते हैं ना कंपाउंडर वगैरह, जिन्हें बीएससी नर्सिंग की हुई स्टाफ, वही देखते हैं। डॉक्टर जी तो बाद में पहुंचते हैं, जब इनको सुला दिया जाता है जी ऑपरेशन करना है तब आता है डॉक्टर। सेम कंडीशन है उनको कोरोना में, बुलाओ जी कोरोना में जो मरीज आएंगे उनको ये देखेंगे, कोरोना होगा तो इनको होगा। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यूरोपियन देशों के, इंग्लैंड के ज़्यादातर, यूएस के, वो डॉक्टर दुबई में बैठे हैं लाखों दराम में नहीं, उनकी सैलरी भी डॉलर में होती है, वो उनको नहीं होता टेंशन, वो आराम से बैठे हैं। अभी दुबई ने देखो एक चाल और खेली है, एक्सपो 2020 अक्टूबर में दुबई में स्टार्ट हो रहा, आप सबको पता है। अब वो चाहता है कि दुनिया भर का माल हमारे दुबई में पहुंचे, ठीक है जी, दुबई में माल पहुंचे हमारे पास। अब माल कैसे पहुंचेगा, जब मालदार लोगों को दुबई में लेके आएंगे तभी तो पैसा आएगा ना दुबई में, ऐसे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। एक्सपो दुबई आ रहा है और उनमें जो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं गल्फ देशों में, 16 कंट्रियाँ ऐसी हैं यूरोप एशियन कंट्री में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर और भी नाइजीरिया, युगांडा, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनमें अच्छी अच्छी क्रीम को निकालना है। कब तक? एक्सपो 2020 से पहले जी, हाँ जी। उनमें अच्छे अच्छे लोग होंगे जो उसमें कुछ न कुछ अलग से क्वालिटी होगी। क्वालिटी कौन सी बता दूँ, जैसे गोल्डन वीज़ा किनको मिल रहा है, अच्छे लोगों को मिल रहा है ना, आम आदमी को नहीं मिलता। जो लोग अच्छा दुबई में रह के दुबई का फ़ायदा करेंगे उन्हीं को दे रहे हैं। तो सेम उन्हीं में से अब क्रीम निकालने के लिए यूएई सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई उनके लिए फ्लाइटें चालू कर दी हैं। जी हाँ, वो लोग दुबई आ सकते हैं। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो कल की डेट की न्यूज़ है कि वो लोग आए, बहुत सारे करोड़पति। अब जाएंगे कौन भाई, आम आदमी तो है वो तो नहीं जाएंगे, स्टूडेंट जो वर्कर हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, जो अपने जॉब से रिलेटेड जाना चाहते हैं उनका नंबर नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हैं, करोड़पति हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा करेंगे एक्सपो में, जो आगे होके काम करेंगे उनको लेके आओ। आपके लिए नहीं करिए, उन लोगों के लिए, उनको छांट लेंगे, उनको मक्खन जो है ना, मक्खन निकाल के प्लेनों में भर के दुबई पहुंचाएंगे और वो बैग भर भर के पैसे के लेके जाएंगे। वो अच्छा वहाँ पे काम भी करेंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाएंगे और वो अपना इन्वेस्ट भी दुबई में करेंगे। ये है जी दुबई ने काम कर दिया है। जी हाँ, अब यहाँ पे फ्लाइट की बात करें तो भाई अक्टूबर में ये एक्सपो आएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यूरोपियन देश आएंगे, बहुत सारे काम करने वाले एशियन देशों के लोग होंगे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये लोग मिल जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। इनको अगर तनख्वाह भी देनी पड़ेगी तो क्या, कौन सी तनख्वाह भाई, दराम में दे दो। अब दूसरे देशों से, यूरोपीय देशों से जब बंदे आप बुलाते हैं तो वहाँ तो दुबई का सिक्का छोटा पड़ जाता है उनके सामने, तो उनके सामने तो औकात नहीं है। और इंडिया के सामने वो 20 गुना बड़े हो गए, तो इंडियन लोगों को तो फिर नमन करना पड़ेगा ना। सिक्का बोलता है जी, आपको आपने वो गाना भी सुना होगा, जिनके पास पैसे हैं ना सब कुछ होता है। फ्लाइटें चालू कर दी हैं और अगर आप बता दो अक्टूबर में ये सिस्टम एक्सपो चल रहा है और फ्लाइटों में अभी उन लोगों को लेके जाया जाएगा। तो आप ये समझिए कि लोग तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं भाई यहाँ पे नेगेटिव बातें इसलिए करूँगा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त से फ्लाइटें स्टार्ट हो जाए। एक बात सोचने की बात है, अगर अगस्त से कंपनी या फिर सरकार, दुबई की सरकार अगर फ्लाइटें चालू करने की सोचती
तो उन लोगों को फिर पहले बुलाने की कहां जरूरत थी, यानी दिन तो कितने बचे, आज 2305 दिन का तो मैटर चल रहा है ना। अगर सब लोगों की फ्लाइटें चालू करनी थी तो फिर ये इनको अलग अलग लोगों को जो पैसे वाले हैं एक्सपो के लिए अलग से एंट्री देने की जरूरत नहीं होती मुझे लगता है जहाँ तक। अगर ये तभी तो सरकार ने दिमाग लगाया ना कि फ्लाइटें चालू नहीं करनी है, सिर्फ इन लोगों को उठाना है, दुबई पहुँचाना है। मेरे जहाँ तक, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये होने वाला है कि पैसे वाले लोगों को और अच्छे वाले लोगों को एक्सपो में ला के टिका दो, और उनको भी एंट्री सीधा नहीं है कि वो दुबई पहुँचे और एक्सपो में चले गए एंट्री मिल गई, नहीं जी, उनके लिए भी आपको बता दूँ दोनों डोज होनी लगी हुई, दोनों होनी चाहिए कोविशील्ड की, RT-PCR 48 घंटे पहले का टेस्ट होना चाहिए, हाँ जी, उसके बाद में उनको दुबई में क्वारंटाइन किया जाएगा 10 दिन के लिए। आप सोचो जी, यानी ऐसी की तैसी कर दी कोविशील्ड की, आप समझ रहे हो इस बात को, अगर शर्म नहीं आती यार, अफसोस की बात है कि जब कोविशील्ड को मान्यता दे रखी है, सोचने की बात है, तब कोविशील्ड पर भरोसा नहीं है, तभी तो ये सरकारें वहाँ पर क्वारंटाइन करेगी ना दुबई की सरकार 10 दिन लोगों को, हद हो गई भाई। यानी इंडिया के कोविशील्ड के लगे हुए डोज, दोनों डोज पूरी प्रक्रिया टेस्ट होने के बावजूद भी उनको 10 दिन दुबई में क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर वो एक्सपो में आगे एंट्री करेंगे। बताओ जी, कितनी घटिया स्तर की दुबई सरकार ने सोच रखी है। ये लागू किस पे होगा, सिर्फ 16 देशों की कंट्रियों पे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी अन्य कंट्रियाँ हैं। सोचिए, बड़ा घटिया स्तर का काम किया भाई दुबई सरकार ने। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं भाई, अगर आप कतर से जाना चाहते हैं तो रिस्क तो है। बाकी आबू धाबी ने भी 31 के अलावा 4 कंट्रियों को और ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो लिस्ट आप अपने स्तर पर ट्राई कर लें। उन देशों से होकर भी आप आबू धाबी या दुबई आ सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। उन देशों में आपको 14 दिन 10 दिन 7 दिन इस तरह से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कतर से भी एक ऑप्शन है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर रिस्क है, रिस्क तो है भाई, दूसरे के कंधों पे तो बंदूक नहीं चलेगी, आपको अपने कंधे पे बंदूक चलानी पड़ेगी, 1-1.5 लाख रुपए पॉकेट में भरने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, रिस्क तो है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे आप वहाँ से फ्लाइटें बंद हो गई या फिर आप पॉजिटिव हो गए, कोई भी रीज़न हो सकता है, बाकी रिस्क लेनी भी पड़ेगी। रिस्क नहीं लोगे तो घर बैठे रहो भाई, बैठे ही हैं लोग 1.5 साल से बेचारे, 2 साल हो जाएंगे अभी थोड़े टाइम बाद में, 1.5 साल से तो पुख्ता बैठे हैं ना, तो रिस्क लो। किसी भी देश से आप दुबई लोग पहुंचे भी हैं भाई, पहले जैसे कुवैत में फ्लाइटें बंद थी तो लोग गए थे ना कुवैत और सऊदी, दुबई होके दुबई 14 दिन रुके फिर वो आगे देश से लगे, तो आप भी रिस्क उठाओ। यहाँ तो सिर्फ वर्क परमिट वीज़ा वैलिड है वही जा सकते हैं, बाकी विजिट वीज़ा का तो चांस ही नहीं है भाई। एक्सपो पे उम्मीद है, बताओ एक्सपो वालों को भी सिर्फ करोड़पति या फिर जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को लेके दुबई सरकार जाएगी, बाकी आप लोगों का नंबर नहीं आने वाला है। जी हाँ, सरकार का धन्यवाद, बेचारी लगातार बिना चूं चप्पड़ किए लगातार वीजे अपडेट करती जा रही है, अभी भी 31 अगस्त तक के वीजे एक्सटेंड कर दिए। आप सबको पता हो तो कि जो लोग, जिन लोगों की सऊदी की फ्लाइटें बंद हैं सऊदी के लिए, उन सभी देशों के सरकार ने सबके वीज़ा 31 अगस्त तक यानी 1-1.5 महीने तक एक्स्ट्रा एडवांस में रिन्यू कर दिए, और दुबई सरकार चूँ नहीं करती है, वीज़ा दे रही है। आप सबको पता, इतनी घटिया गाली तो देने को मन करता है भाई, इतनी घटिया वीज़ा दे रही है, विजिट वीज़ा आप 2 दिन में ले लो, 1 दिन में ले लो, 1 महीने वाला तो तुरंत मिल जाएगा, फ्लाइटें बंद करके बैठी है, 3 महीने में कितने वीज़े निकालें जी सरकार ने, फ्लाइटें तो बंद हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया, पैसा रिटर्न नहीं होगा, नहीं वो एक्सटेंड होगा, बताओ जी। यानी सीनाचोरी और सीनाचोरी, वीज़ा बेच रही है सरकार, पैसे कमा रही है, फ्लाइटें बंद करके रखी है, यानी स्थिति वो हो गई, खाना आपके आगे रख दिया लेकिन खाना नहीं है, सिर्फ इसको देखते रहो जी। हाँ जी, वीज़ा के एक एक दिन ख़त्म हो रहे हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है वीज़ा पहले न लें, सरकार के भरोसे आपके वीज़ा का भी 15-20 हज़ार जो भी लगता है वो चला जाएगा, अर्जेंट लोग वीज़ा के बहाने 50-60 हज़ार ले लेंगे, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो बचो इनसे। दुबई सरकार के तो हाथ जोड़ो, धन्यवाद उनका कि इतनी बर्बादी करी है लोगों की कि आप सोच नहीं सकते, इतना मतलब इतना सेल्फिश हो गई कि बस मैं ही हूँ, मेरा ही आ जाए, सब कुछ मेरा ही हो जाए। एक्सपो पे पूरा ध्यान दे रखा है सरकार ने भाई, एक्सपो की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये वो नहीं चाहते कि ये कचरा पट्टी आए हमारे देश में, सिस्टम बिगड़े, वो चाहते हैं कि क्रीम आए, करोड़ों, उनका पता है क्या सपना है, मुझे जहाँ तक लगता है उनका सपना है वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा अचीवमेंट करना, भी सरकार की सोच ही है एक्सपो के माध्यम से, 100% उनकी ये सोच है, वरना तो भाई सिर्फ लेबर कैटेगरी को तो डांट के रखा है ना, जो मजदूर आदमी है वहाँ पे जाके काम करते हैं उन्हीं को डांट रखा है, बाकी तो लोग आ रहे हैं दुबई में। अरे शर्म आने की बात है, कोरोना करोड़पति के नहीं लगता क्या, सिर्फ गरीबों को ही लगता है कि हाँ ये वहाँ पे कमाने जाएगा इसके लिए इसको चिपक जाते हैं, करोड़पतियों के कोरोना नहीं होता यार, हद हो गई। तो भाई अब देखिए क्या बताएं आपको, बस ये अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।